very unusual track. So please listen to it. And it is produced by Ustad Zakir Hussain and Michael Menat. Or it's my saxophone, the Chris Potter ne bajaya hai, who is the world renowned saxophonist. And I'm honored to be working with such great people on this track. Sir, aap kya kahenge? मुझे लगता है कि कुछ कलाकार जो हैं वो ज़िंदगी भर इस मकाम के लिए काम करते हैं. उनका ये सपना होता है, ड्रीम होता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको उस्ताद जाकिर हुसैन प्रोड्यूस करें, क्रिस पॉटर उस पर सैक्सोफोन बजाए. तो मुझे लगता है कि रीवा की ये पिछले जन्मों का कुछ कर्म है कि वो उसकी शुरुआत ही जो है वो गुलजार साहब से और उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब से. और सबसे बड़ी बात कि लता दीदी ने अब इसको प्रेजेंट किया. पिछले 17 तारीख को हमने दीनानाथ मंगेशकर में उसका कॉन्सेप्ट किया. तो ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है वो ग्रैमी या ऑस्कर, उससे भी बड़ा अवार्ड जो है वो दीदी के आशीर्वाद मिलना है. और दीदी ने इसमें वो पोटेंशियल देखा कि ये आज की कमर्शियल वर्ल्ड में भी ऐसा काम करना चाहती है कि उस्ताद सलामत अली खान साहब और उनकी ठुमरियों को लेकर के जो है वो काम करना चाहती है, कि जिनको सुनने के लिए भी जो है वो जिगर चाहिए कि ऐसा गाना सुनने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए. गाना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई उस गाने को गाने की या उसको उसका रेप्लिका करने की. लेकिन ये रीवा की एक अपनी, उसका एक अपना एक जुनून है, तो वो जुनून जो है वो यहाँ तक उसे ले आया है. और आपका आशीर्वाद सबका रहेगा तो और भी आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी. यहाँ अभी आप कुछ सुनाने वाली हैं? गाना बजाना तो चलिए तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं ये एक छोटा सा केक आपके इस नए गाने के उपलक्ष्य में. सो लेट्स हैव द केक कटिंग. कांग्रेचुलेशंस. और इसी तरह आप कमाल कमाल के गाने बस हमें देते रहें. आगे नहीं जाने का, वो भी पीछे खड़े है ना. तो रूम में नहीं जाने ना भाई. आप लोग भी लीजिएगा केक. थैंक यू सर. लेना. थैंक यू. सुपर. बाइट करेंगे. बाइट कर लेते हैं. सलामत अली खान साहब की बहुत बड़ी मतलब भक्त हूँ मैं कहूँगी. एंड उनको ही सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ. और आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्राई टू यू नो उनके जैसा तो कोई नहीं गा सकता. पर सांवल जब मैंने सुना तो मेरे दिल को छू गया वो गाना. एंड आई वॉज लाइक मुझे यही गाना है. एंड इसी को मुझे मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेप्लिकेट कर सकूँ. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइड डूइंग. और स्पेनिश इसीलिए क्योंकि वी नीडेड अ हुक लाइन फॉर द यूथ टू कनेक्ट विद इट. और थोड़ा सा मॉडर्न टच देने के लिए तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी. इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, बट कुछ उसके साथ जेल नहीं हो रहा था. सो देन फाइनली आई डिड समथिंग इन स्पेनिश. सो इट्स वेरी. हाँ, आई ओपन द एक्ट फॉर हिम. दैट वॉज अमेजिंग. आई मीन just to open the show for Bryan Adams, it's like a dream come true, I would say. Aur maine apna khud ka ek gana gaya tha, Crossing the Limits. So, अहमियत तो बहुत होनी चाहिए लेकिन इन दिनों हो नहीं रही है. देखिए पुराने जमाने में नौशाद साहब थे, रोशन साहब थे, सलीलदा थे या बर्मन साहब थे. इन्होंने शास्त्रीय संगीत को भी इतना अच्छे से इस्तेमाल किया है और जो रागों को लेकर के जो कंपोजिशन बनाई हैं कि वो वाकई में मतलब आज भी लोग वो वही सारी चीज़ें गाते हैं. आज के दौर में ये है कि म्यूज़िक अच्छा बन रहा है लेकिन थोड़ा शास्त्रीय की तरफ जो है, क्योंकि ऐसी फिल्में नहीं बन रही. उस ज़माने में मुगले आज़म बनी, बैजू बावरा बनी और कई सारी ऐसी म्यूज़िकल फिल्में बनी, तो जिसमें इस तरह का म्यूज़िकल अभी भी आप देखें. संजय जी की फिल्में होती हैं, संजय भंसाली जी की फिल्में,
उसमें अभी भी आपको वो फ्लेवर जो है थोड़ा सा क्लासिकल गानों का जो है वो रंग थोड़ा नज़र आता है। और हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस हैं जी, कॉपी करते हैं म्यूजिक, नहीं कई बार क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर भी रहता है कि जब आपको एक फिल्म मिलती है तो आप ये देखते हैं कि भाई ये फिल्म किसी और के पास ना चली जाए। तो ये है कि अगर मेरे पास भी कोई डायरेक्टर आते कहता है कि जी मुझे ये गाने की हुक लाइन चाहिए, इसके आगे आप बनाइए, तो या तो मुझे ज़रूरत नहीं है काम की तो मैं कह दूँ नहीं जी मैं तो ओरिजिनल काम करूँगा वरना नहीं करूँगा, तो कोई दूसरा बैठा ही है वो कर लेगा। तो ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की वजह से थोड़ा प्रेशर भी रहता है। और मुझे लगता है कि जो ओरिजिनल जो काम है उसकी तो एक लाइन ही होती है, लेकिन उसके अलावा जो गाना है वो भी पूरा क्रिएशन ही है। जैसे अभी वो आया था छोगाड़ा तारा, तो वो छोगाड़ा की वो एक लाइन हुक लाइन थी, अदरवाइज पूरा गाना जो है वो सचिन जिगर जी का उन्होंने बनाया ही था, तो बड़ा खूबसूरत बनाया था। He's been my first guru, और it's a blessing in disguise to be born in such a musical family. और पर एट द सेम टाइम प्रेशर भी काफ़ी है बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हैं, एंड आई ट्राई टू लिव अप टू दैट एंड आई हैव टू वर्क डबल टू प्लीज देम। और ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ चॉइस, दैट्स नॉट एन ऑप्शन, सो आई हैव टू आई जस्ट ट्राई टू स्टे ट्रू टू माई रूट्स आई वुड से, कि मैं मतलब ओवरनाइट फेम के लिए मैं कुछ भी मतलब गा कर एक दिन में फेमस हो जाऊँ ये मेरा मानना नहीं है। मतलब आई बिलीव इन वर्किंग हार्ड एंड लर्निंग डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जॉनर्स, और जितना आप सीखोगे उतना और आपको आगे काम आएगा। तो सीखना मैंने कभी बंद नहीं किया, सो मैंने पियानो भी सीखा है, कर्नाटक भी सीखा है, हिंदुस्तानी वोकल्स भी सीखे हैं और अब भी सीख ही रही हूँ। सो आई डोंट माइंड If I get a good role, then yeah, why not? But filhal singing par hi focus hai. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ तक आए हैं। हाँ, सावल की दो लाइन रिवर्स बनाएगी। ये सांवल सराय की ठुमरी है और सिंध काफ़ी मतलब आज से करीब 200 250 300 साल पुरानी ठुमरी होगी, तो उसको लेकर के ये बड़ा खूबसूरत, और ऑलरेडी आप लोगों की दुआओं से 2 मिलियन के ऊपर व्यूज हो गए हैं, अभी 17 तारीख को रिलीज हुआ है, और आप लोग थोड़ा सा प्रमोट और करेंगे तो जो है वो नई जनरेशन में भी जो है इस तरह का एक जुस्सा जिसे कहते हैं कि एक जो जज्बा है कि शॉर्टकट इन दिनों लोग ज़्यादा ढूंढते हैं सक्सेस के लिए। मुझे लगता है कि जो भी फाइन आर्ट्स है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, वो एक प्रोसेस है यूं ही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और, ऐसी लज्जत ना पहुंचने में ना रह जाने में। तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं उसके बाद क्या है, उसके बाद वहाँ से डाउन ही है, तो मज़ा ही जर्नी का है। हम लोग आज भी बाजा उठा करके सफ़र करते हैं, गाड़ी में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बैलगाड़ियों में जाते हैं और गांव-गांव में जाके प्रोग्राम करते हैं। मज़ा उसी का है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है वहाँ के लोगों से मिल के, वहाँ के कल्चर को जान के, तो इतना सीखना है। इसीलिए इसको संगीत को महासागर कहा गया है कि एक मौज आती है वो चली जाती है, उसके बाद दूसरी मौज आती है वो नई है, फिर तीसरी नई है, तो हर वक्त वो नयापन जो है वो आता रहता है। तो संगीत में भी ऐसा ही है कि ये नयापन जो है आते रहे और इसी तरह से कलाकार आगे बढ़ते रहे। हाँ, only the Spanish part you mean? Okay. हाँ, mix के साथ।
Necesito en mi vida como de encuentro. Eres el amor de mi vida. Thank you. Thank you.